हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर जी के सब्जेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स, नवरत्न ऑफ इंडिया, है ना। अब नवरत्न कौन से थे भारत के, वो हम देख रहे हैं, बीरबल, है ना, तानसेन, टोडरमल, यही सब थे। तो अब क्लूज पढ़ते जाना है और आपको इनके नेम्स राइट डाउन करने हैं। अकबर मेंशनड अ कोर्ट ऑफ नाइन डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हु वर नोन एज नाइन ज्वेल ऑफ नवरत्न। अकबर की सभा में नौ रत्न थे जिनको नौ रत्न कहा जाता था। कैन यू नेम देम? अ ब्राह्मण ऑफ कल्पी नोन फॉर हिज गिफ्ट ऑफ ह्यूमर एंड विट्स, बीरबल। ही इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टाइज इन लैंड रेवेन्यू मैटर। लैंड रेवेन्यू मैटर में जो परफेक्ट था वो कौन था? टोडरमल। बॉर्न एट ग्वालियर, ही वॉज अ कोर्ट सिंगर ऑफ अकबर। ही इज नोन एज गीत सम्राट तानसेन। गीत सम्राट के नाम से कौन जाना जाता था? तानसेन। अ प्रोफाउंड थिंकर एंड राइटर नोन फॉर हिज बुक्स अकबरनामा एंड अनाय अकबरी, अब्दुल फजल। अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप क्लूज पढ़ते जाइए और नाम राइट डाउन कर दिए। अब्दुल फजल कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ खान ए खानम बाय अकबर। ही वॉज अ सेलिब्रेटेड हिंदू स्कॉलर, अब्दुल रहीम। अ ग्रेट राजपूत जनरल ऑफ अकबर, ही इज क्रिएटेड विथ डिफीटिंग महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी एंड द अफगान्स, राजा मान सिंह। अ पोइट लिटरेट ऑफ अकबर्स कोर्ट, ही इज क्रिएटेड विथ द ट्रांसलेशन ऑफ लीलावती इंटू प्रिजियन, फाइजी, FAIZI। अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अकबर, ही वॉज द चीफ ऑफ द रॉयल स्कूल, पाठशाला। रॉयल स्कूल का जो चीफ था उसका क्या नाम था? हमीम हुमन, HAMIM हुमन, HUMAN। हु वॉज द ब्रेन बिहाइंड अकबर्स महजार और डिक्लेरेशन विच हैज़ बीन रॉन्गली कॉल्ड अ डिक्री ऑफ इन्फ्लीबिलिटी, शेख मुबारक। नेम्स नीचे भी दे रखे हैं, उनमें देखते हुए भी आप इसको फिल कर सकते हो यदि आपको इनका स्पेलिंग समझ नहीं आ रही हो तो। नाउ चैप्टर नंबर सेवन, सोशल रिफॉर्मर्स। पिक्चर्स गिवन है, आपको नेम्स लिखने हैं। ही बिलीव दैट वुमेन हैव द राइट टू डिस्कवर देयर ओन आइडेंटिटी। औरतों को अपने अधिकारों को बताने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। ही कमेंडेड सती प्रथा, है ना, ही कॉन्डिमेंडेड सती प्रथा एंड फाउंडेड ब्रह्म समाज टू रिफॉर्म द सोसाइटी। सती प्रथा को उन्होंने बंद किया तो कौन थे? राजा राम मोहन राय, RAJA, राजा राम मोहन राय। नीचे मैंने आपको ये 1, 2, 3, 4 भी लिख दिए हैं, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो इफ़ यू हैव एनी ट्रबल। ही वॉज अ ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट, ही वॉज ए इलिटरेट बट हैड ए ग्रेट रिलीजियस विजडम। अनपढ़ थे लेकिन, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा धार्मिक बुद्धि थी। ही इस्टेब्लिश्ड अ वेरी फेमस मिशन नेम्ड रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण परमहंस। नीचे स्पेलिंग्स गिवन है। थर्ड, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, वैसे ही पता पड़ जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। फोर्थ, ही वॉज रिग्रेटेड एज द ओशन ऑफ लर्निंग एंड इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली प्रोज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर, ही वॉज द डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ही वर्क टू इम्प्रूव पुअर पीपल्स लाइफ एंड प्रमोट एजुकेशन अमंग ऑल, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये आपको करना है। नाउ फर्स्ट इन इंडिया, सबसे पहले भारत में, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल एट द इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड, जूम कर दिया जाए, लॉर्ड माउंटबेटन। द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू गेट द परमवीर चक्र,
वॉज निर्मलजीत सिंह। फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स में परमवीर चक्र किसको मिला? निर्मलजीत को। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, ठीक है। फोर्थ, द फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर इज इंडिया वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS ऑफिसर इंडिया का कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। द फर्स्ट इंडियन मैन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वॉज। इंग्लिश चैनल को जिसने क्रॉस किया है? मिहिर सैन। मिहिर सैन। द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। द फर्स्ट इन प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज WC बनर्जी। नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन था? WC बनर्जी। ठीक है, ये आपको करने हैं। तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, 6, 7, 8। ओके, उसको अपनी बुक में कर लीजिए। थैंक यू।